आज अपन देखते हैं फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट इन पाइथन। ठीक है, पाइथन के अंदर अपन फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन इन पाइथन। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन तो ये है कि फाइल जनरली होता क्या है, व्हाट इज फाइल। यदि अपन फाइल को डिफाइन करेंगे, फाइल है क्या, तो हम कैसे फाइल को डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ। ठीक है, मतलब जैसे अभी आपका जो प्रोग्राम का जो आउटपुट आ रहा था, ये प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आ रहा था, टेम्परेरली आ रहा था। ठीक है, हाँ, यदि उस प्रोग्राम के आउटकम को, ये जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, उसको यदि आपको परमानेंटली स्टोर कराना है, उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, फाइल यूज़ करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम आउटपुट परमानेंटली, इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम आउटपुट परमानेंटली इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क। ठीक है, अभी तक आपका जो डेटा, जो आपका आउटपुट आ रहा था, वो किसके अंदर आ रहा था, आउटपुट विल बी स्टोर्ड ऑन सिंपल इन रैम। ठीक है, अभी आपका जो आउटपुट दिख रहा था, वो किसके अंदर दिख रहा था, रैम के अंदर दिख रहा था। यदि आपको उस आउटपुट को रोम के अंदर या अपने हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर करके रखना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं। फाइल टाइप इज बेस्ड ऑन फाइल एक्सटेंशन। फाइल का जो टाइप होता है वो किस पे बेस्ड होता है, फाइल के एक्सटेंशन में बेस्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन सेव रिकॉर्ड इन टेक्स्ट फाइल यूजिंग डॉट txt, डॉट doc, डॉट xlsx, डॉट xls। ये सभी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के फाइल्स के एक्सटेंशंस होते हैं और ये सभी टेक्स्ट फाइल के पार्ट ही हैं। ठीक है, वी कैन स्टोर डेटा इनटू बाइनरी फाइल आल्सो, वी कैन स्टोर डेटा इनटू बाइनरी फाइल आल्सो, फॉर एग्जांपल। ठीक है, बाइनरी फाइल का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इफ वी स्टोर डेटा इन इमेज फाइल, मीडिया फाइल, इमेज फाइल, मीडिया फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, देन वी विल यूज बाइनरी फाइल सिस्टम। जैसे बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है, बाइनरी फाइल क्या होती है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो टेक्स्ट फाइल होती है, उसके अंदर हम कैरेक्टर इनपुट लेते हैं और कैरेक्टर से ही आपका आउटपुट क्या होता है, शो होता है। लेकिन जो बाइनरी फाइल होती है, उसके अंदर अपन इनपुट तो कैरेक्टर से लेते हैं, लेकिन जो आउटपुट का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, बाइनरी होता है। ठीक है, तो बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल, दोनों चीज़ें हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब पाइथन आपको दोनों टाइप के फाइल्स को मैनेज करने के लिए अलग अलग क्लासेस प्रोवाइड करता है, आप इन दोनों क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर देखो, जब फाइल हैंडलिंग यदि आपको पाइथन के अंदर इंप्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए पाइथन के अंदर आपको एक मेथड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ओपन मेथड। कौन सा मेथड होता है, ओपन मेथड। ठीक है, ओपन मेथड के अंदर यहां पर आपको फाइल का नाम, जिस नाम से आपको फाइल बनाना है, और यहां पर फाइल का नाम के बाद यहां पर आपको मोड, जो भी मोड ऑफ फाइल, मोड ऑफ फाइल मतलब आपको जिस पर्पज से फाइल बनाना है। जैसे मैंने यहां पे कर दिया आर, तो यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया R लिख दिया, देयर मीनिंग इज दैट आपका फाइल का जो पर्पस होगा वो क्या होगा, रीड के लिए होगा। यदि मैंने यहाँ पे दे दिया W, तो इस फाइल का पर्पस क्या होगा, राइट के लिए होगा। यदि मैंने दे दिया यहाँ पर R+, देयर मीनिंग इज दैट आपके फाइल का जो पर्पस होगा वो रीड भी होगा और राइट भी होगा। आप रीड करने के लिए और राइट करने के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, W+ यदि आप लिखोगे, तो देयर मीनिंग इज दैट आप राइट के लिए भी यूज़ कर सकते हो और रीड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यदि आपने RB लिख दिया, RB मतलब होता है रीड बाइनरी फाइल। यदि आपको बाइनरी फाइल को रीड करने के लिए रीड बाइनरी फाइल, RB+ लिख दिया, तो बाइनरी फाइल को रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों आप कर सकते हो, रीड राइट फॉर बाइनरी फाइल। WB+
राइट एंड रीड ऑपरेशन बोथ. इसमें राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं और रीड ऑपरेशन भी कर सकते हैं. तो ये सभी फाइल्स के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेशन होते हैं जो हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशन विच कैन इंप्लीमेंटेड इन पाइथन फॉर फाइल ऑपरेशन. सम फाइल एक्सटेंशन इज ऑल्सो हियर. जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अब एक अपेंड होता है ए. अपेंड का मतलब क्या होता है, ए लिखते हैं. इट इज यूज टू अपेंड फाइल ए प्लस अपेंड प्लस रीड. राइट नहीं, अपेंड प्लस रीड, अपेंड और रीड. ए बी अपेंड बाइनरी फाइल. इट इज यूज टू अपेंड बाइनरी फाइल. यदि आपको बाइनरी फाइल को अपेंड करना है तो उसके लिए आपको ए बी यूज करना पड़ेगा, अपेंड बाइनरी फाइल. इसके बाद आता है ए बी प्लस अपेंड एंड राइट. इज यूज टू अपेंड एंड राइट बाइनरी फाइल. इट इज यूज टू अपेंड एंड राइट बाइनरी फाइल. ये दोनों काम क्या करेगा, अपेंड भी करेगा और राइट भी. ए बी प्लस मीन्स अपेंड एंड रीड बाइनरी फाइल. ये क्या करता है, आपको अपेंड भी करता है और रीड भी करता है, किसको, बाइनरी फाइल. ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका एक्सटेंशन है जिसमें अपन ये अलग अलग मोड्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं. आर स्टैंड फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट, आर प्लस स्टैंड फॉर रीड राइट, डब्ल्यू प्लस स्टैंड फॉर राइट रीड, आर बी मीन्स रीड बाइनरी फाइल, आर बी प्लस मीन्स रीड एंड राइट फॉर बाइनरी फाइल, डब्ल्यू बी प्री मीन्स. मतलब ये जो अपन इतने सारे मोड आपको सी में भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, मतलब पाइथन एक्चुअली, पाइथन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पाइथन जो होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है वो अपन डॉक में भेजते हैं या कि एक्सेल में भेजते हैं या कि टेक्स्ट में भेजते हैं, तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. इसलिए पाइथन के अंदर जो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट है बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इसके अंदर इतने सारे मोड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी. ठीक है, इसमें ये भी एक आप फोल्डर्स भी, जैसे जावा में अपन फोल्डर्स भी डायनेमिकली बना सकते हैं. ठीक है, फाइल्स भी अपन, फाइल तो अपन डायनेमिकली ओपन के साथ बनाते ही बनाते हैं. तो मतलब फाइल सिस्टम इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज में है, आप इसको बहुत ईजी वे में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हम फाइल सिस्टम के अंदर कुछ प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं. ठीक है, इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द प्रोग्राम्स. ओके, तो इस सेशन में हमने सिर्फ ये देखा कि भाई फाइल होता क्या है और हम फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम क्यों बनाते हैं. तो उसका मेन पर्पज़ यही है कि जैसे आप कोई भी नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हो उसका आउटपुट जो होता है वो टेम्परेली होता है. अब उस आउटपुट को यदि मुझे परमानेंटली स्टोर कराना है देन वी कैन यूज़ फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन. ओके.